गाइज, आजकल के टाइम में ना लोगों के लिए जो हेयर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई नो कि अगर किसी बंदे के जो हेयर है ना वो खत्म हो जाए तो जो बंदा है ना वो काफी डिप्रेशन में आ जाएगा और उसके लिए ऐसा लगेगा भाई जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसको अगर आप डेली करते हो, और आई नो कि आप डेली करते हो वो चीज़, और अगर आप ये रेगुलर करते रहोगे ना तो एक टाइम पे चल के ना ऐसा टाइम आएगा कि आपके जो हेयर है वो बीच से खत्म हो चुके होंगे और आप कुछ अजीब से बन जाओगे, फिर आप काफ़ी डिप्रेशन में चले जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर हो गए, मेरे फॉलोअर हो गए ना कि और मेरे भाई हो गए आपको ये जो प्रॉब्लम है ना वो आए। तो बेसिकली आज वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसी 5 हैबिट जिसको आप डेली करते हो और जिससे कि आप अपने हेयर को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर रहे हो और काफ़ी मतलब खराब कर रहे हो। तो बाय द वे गाइस, इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज साहिल एंड आई एम हियर टू टीच अबाउट मैन फैशन एंड ग्रूमिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हम बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वो है ब्रशिंग वेट हेयर। अब यार इसमें काफ़ी सारे बंदे गलती क्या करते हैं ना कि वो नहा के आते हैं और नहाने के बाद जब आपके वो हेयर वो गीले होते हैं तो उसी में वो जो हेयर कॉम या फिर जो हेयर ब्रश है ना वो करने लग जाते हैं। तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इससे मतलब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप ये करते हो तो आपके जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो हेयर है वो खत्म हो जाएंगे और आप एक कोने पर बैठ के रहोगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी आपके जो हेयर है वो ड्राई हो जाए तब आप जाके कॉम या फिर ब्रश वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हो, और ड्राई करने के लिए आप टॉवल ड्रायर या फिर जो हेयर ड्रायर है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं प्रीफर करूँगा हेयर ड्रायर के लिए क्योंकि हेयर ड्रायर से आपके जो हेयर है वो पोजीशन पे भी सेट हो जाएंगे और वैसे इससे आपके जो हेयर है वो ड्राई भी हो जाएंगे और आपके जो हेयर है वो काफ़ी सही रहेंगे। बट आपको कभी भी अपने वेट हेयर में जो कॉम या फिर हेयर ब्रश वगैरह ना वो यूज़ नहीं करना, नहीं तो फिर आप अपने बालों से हाथ धो बैठोगे। नेक्स्ट है केमिकल प्रोडक्ट। अब यार आजकल के टाइम में ना हर बंदे को अपने जो हेयर है ना वो स्टाइल रखने हैं मेरी तरह, और हर बंदे को अपने जो हेयर है ना वो मतलब सेट चाहिए हैं। अब इसके लिए काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं कि वो अलग अलग जो केमिकल प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। कुछ बंदे ऐसे सोचते हैं कि यार हमको अपने हेयर स्टाइल करने हैं, सिर्फ हमको खड़े करने हैं, तो हम महंगे प्रोडक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें, हम चीप सा जो प्रोडक्ट है ना वो ले लेते हैं, चीप सा जो हेयर वैक्स है वो ले लेते हैं। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी जो चीप प्रोडक्ट है वो अगर यूज़ करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर MG5X जो है ना वो काफ़ी ट्रेंड पर चला था और ये काफ़ी चीप है और ये कम पैसों में आपको बहुत ज्यादा जो हेयर वैक्स है वो मिल जाता है, बट इसमें इतने ज्यादा केमिकल होते हैं, अगर आप इसको यूज करते हो तो इससे आपके जो हेयर है वो काफी खराब और काफी डैमेज हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी हेयर प्रोडक्ट लेते हो ना तो आप कोई ऐसा हेयर प्रोडक्ट लो जो थोड़ा सा महंगा हो और जिसमें जो केमिकल है वो ना हो, मतलब कम से कम जो केमिकल है ना वो हो और जिससे कि आपके जो हेयर है वो डैमेज ना हो। और कुछ बंदे क्या करते हैं ना कि वो ओवर यूज़ करते हैं, जैसे कि कई बंदे क्या करते हैं कि वो एक दिन में 3 से 4 बार हेयर वैक्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे वगैरह लगा लिया, तो अगर आप ये करते हो तो यार इससे आपको जो हेयर है वो काफ़ी डैमेज हो जाएंगे और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप हेयर वैक्स वगैरह लगाते भी हो तो आपको सोने से पहले उसको वॉश करना काफ़ी ज़रूरी है। थर्ड हमारे पास है वो है ओवर वॉशिंग हेयर। अब यार इंडिया में ना काफ़ी अलग अलग टाइप के लोग हैं। फर्स्ट लोग आते हैं वो हैं कि मतलब जो अपने हेयर को ना जिनको पता भी नहीं होता कि हमको अपने हेयर वॉश भी करने होते हैं, और सेकंड टाइप के बंदे वो होते हैं कि मतलब अपने हेयर को ना बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, मतलब वीक में उनका 4 से 5 बार ना वो चले जाता है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट बात करते हैं उन बंदों के लिए जो अपने हेयर को वॉश नहीं करते, जो कि मतलब भूले पड़े हैं कि हमको अपने हेयर वॉश करने होते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि आपको अपने हेयर है ना वो वॉश करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप अपने हेयर को वॉश नहीं करोगे तो क्या होता है ना कि आपकी दिन भर में जितनी भी डर्ट डस्ट जो आपके हेयर में आपकी जो स्कैल्प में गया है ना वो क्लीन नहीं होगा, और जब वो क्लीन नहीं होगा तो फिर आपके हेयर उससे काफ़ी डैमेज वगैरह हो सकते हैं। तो यार आपको अपने जो हेयर है ना उसको वॉश करना काफ़ी ज़रूरी है। सेकंड टाइप के बंदे वो हैं कि जो ओवर वॉश करते हैं, मतलब वीक में 4 से 5 बार अपने जो हेयर है ना वो वॉश करते हैं। तो भाई आपको ऐसा भी नहीं करना, आपको ओवर वॉश नहीं करना, वीक में सिर्फ आपको 3 दिन जो शैम्पू है वो आपको यूज़ करना है, 3 दिन आप वॉश कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा वॉश करते हो ना तो इसमें इस कंडीशन क्या होती है कि ज़्यादा वॉश करने से क्या होता है ना कि जब भी आप अपने हेयर को वॉश करते हो तो फिर हमारी जो बॉडी या फिर जो हमारा स्कैल्प है ना वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, और जब अपने हेयर को वॉश कर दोगे तो फिर जो नेचुरल ऑयल है ना वो निकल जाएंगे सारे के सारे, और फिर आपकी जो स्कैल्प है वो काफ़ी ड्राई, काफ़ी फ्रीजी सी और काफ़ी गंदी सी हो जाएगी, काफी डैमेज आपके जो हेयर है वो लगेंगे। तो आपको मतलब ओवर वॉश भी नहीं करना। फोर्थ हमारे पास है वो है परफेक्ट शैम्पू और कंडीशनर। बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि यार हमको अपने सिर्फ जो अपने हेयर है ना वो वॉश ही तो करना है, और 1-2 रुपये वाला जो शैम्पू आता है क्लिनिक प्लस हैंडल शोल्डर वो पता नहीं क्या फलाना ढमकाना बहुत सारे आजकल हैं, तो वो बंदे यूज़ करते हैं और वो सोचते हैं कि यार हम मतलब इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट क्यों करें अपने शैम्पू और कंडीशनर में। बट मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप कोई भी चीप शैम्पू या फिर कंडीशनर वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें जो केमिकल है वो ज़्यादा रहते हैं, वो आपके हेयर को क्लीन करने के साथ साथ आपके हेयर को डैमेज भी काफ़ी करते हैं और आपके जो हेयर है वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। अगर आप अच्छे पैसे लगा के कोई अच्छा ब्रांड का या फिर अच्छा जो शैम्पू है वो अगर आप लेते तो उसमें जो केमिकल है वो नहीं होते, और प्लस वो जो आपके हेयर को काफी सही भी रखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी शैम्पू या फिर कंडीशनर वगैरह लेते हो तो उसमें जो 3 चीजें हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पैराबिन, सल्फेट और SLS। ये अगर जिस भी शैम्पू या फिर कंडीशनर में ये 3 चीजें होगी तो वो आपके हेयर को काफी डैमेज करेंगे, काफी रफ बना देंगे। तो जब भी आप कोई भी शैम्पू या कंडीशनर बाय करने जा रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप उसके इंग्रेडिएंट में देखो ये जो 3 चीजें वो बिल्कुल भी उसमें नहीं होनी चाहिए, तभी जाके वो जो शैम्पू कंडीशनर है वो आप बाय करो। और यार आपको शैम्पू के बाद में जो कंडीशनर है वो यूज करना काफी जरूरी है। कंडीशनर हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और हमारे हेयर को हाइड्रेट भी रखता है।
फिफ्थ एंड लास्ट हमारे पास है वो है हॉट वाटर। अब आई नो कि विंटर आने वाली है और काफ़ी सारे बंदे ना वो काफ़ी हम मज़े से नहाते हैं वो गर्म गर्म पानी से और मतलब मज़े ही आते हैं। तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो हॉट वाटर होता है ना वो हमारे सिर्फ हेयर के लिए नहीं, वो हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है। आपको कभी भी हॉट वाटर से नहीं नहाना और ना कभी आपको हॉट वाटर से अपने हेयर को वॉश करना है। अगर आप हॉट वाटर से अपने हेयर को वॉश करते हो तो इससे आपकी जो स्कैल्प है वो काफ़ी ड्राई हो जाएगी, आपकी जो स्कैल्प है वो काफ़ी रफ और काफ़ी ड्राई सी हो जाएगी और जो कि दिखने में काफ़ी गंदे लगे आपके हेयर और वो काफ़ी डैमेज भी हो जाएंगे, मतलब रूखे सूखे से जो हेयर है ना वो हो जाते हैं, तो वैसे ही आपकी जो हेयर है ना वो हो जाएंगे। तो आपको कभी भी हॉट वाटर से अपने ना स्किन को ना अपने हेयर को वॉश करना है। अब बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी मैंने आपको बता दी है, अब फिर भी आप अगर ये मिस्टेक करते हो तो भाई आपको भाई क्या कर सकता है, फिर मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है आपको उसको फॉलो करना। और आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला होगा और आपको कुछ भी मतलब मजा से आया होगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप उसको पहली बार देख रहे हो, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी कई सारी फोटोज जाकर उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और फॉलो कर लेना यार, मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो बस हम लेंगे दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।